हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को बोलूँगा आप लोग माइनक्राफ्ट में कैसे सर्वर बना सकते हो, वो भी 24x7 वाला सर्वर। और भाई ये कैसे बनता है और ये भाई ये कॉस्ट लगेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, सारा डिटेल्स मैं दूंगा आज इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को देखते रहो लास्ट तक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोग को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फिर गाइस क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं आपको उसमें सर्च करना है अल्टरनेट्स। अल्टरनेट्स में गाइस आप लोग फ्री सर्वर्स बना सकते हो, तो आपको अल्टरनेट सर्च कर लेना है। जैसे आपको ये पेज खुल जाएगा, फिर जैसे आपको इसके अंदर जाना है। जैसे इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा माइनक्राफ्ट सर्वर फॉर फ्री फॉर एवर। तो आपको यहाँ पर नीचे एक तो प्ले बटन दिख रहा होगा, जहाँ पर प्ले लिखा होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर गाइस आपका यहाँ पर एक तो पेज खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका तो कोई बना तो नहीं है अभी तक अकाउंट, तो आप लोग कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर साइन अप में क्लिक कर लेना है। और साइन अप में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बोलेगा यूज़र नेम, तो कोई भी आप लोग यूज़र नेम दे सकते हो, मैं एक यूज़र नेम दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने तो नेम तो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको एग्री यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो वो भाई राइट मार्क में आ जाएगा। और उसके नीचे वाला में उसमें भी आपको क्लिक करके उसको भी राइट मार्क में कर देना है। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे मेरा नेम में FM गेम में 2 पॉइंट क्यों नहीं है पॉइंट, तो भाई इधर पॉइंट नहीं लग रहा है, तो भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही दे दिया। फिर आपको नेक्स्ट में दबा देना है। नेक्स्ट में दबाने के बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल मांगेगा, और ईमेल और आपको पासवर्ड, और भाई आपको वापस से पासवर्ड और ईमेल डालना है। तो भाई ये आप और डायरेक्ट आप लोग गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, पर भाई मैं खुद से दे देता हूँ और पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। गाइज मैंने ईमेल और पासवर्ड देखकर और साइन अप में क्लिक कर दिया है। फिर गाइज यहाँ पर आपको आ रहा होगा क्रिएट ए सर्वर, तो गाइज आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट ए सर्वर के ऊपर क्लिक करते आपको यहाँ पर आएगा जावा या बेडरॉक। तो गाइज आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको बेडरॉक सिलेक्ट कर लेना है। फिर जाके आपको यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर देना है। फिर गाइज क्रिएट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आ रहा होगा ऑफलाइन मोड, और यहाँ पर आपको एड माय सर्वर, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपका सर्वर्स का डिटेल्स भी आपको दिख रहा होगा। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले क्या करना है, आपको पहले अपना माइनक्राफ्ट के पास जाना है, मतलब माइनक्राफ्ट ऐप के अंदर मत जाना, आपको उसको ला कर रख दो। गाइस ऐसे ला कर रखना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, इसके अंदर क्लिक करके एफ इन्फो में जाकर आप लोग को क्या करना है, माइनक्राफ्ट का जो आप लोग माइनक्राफ्ट का एफ का वर्जन जो है वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। फिर गाइस उस वेबसाइट के अंदर वापस से जाना है। फिर जाके यहाँ पर आपको क्लिक करके वर्जन के ऊपर फिर अपना अपना मतलब आपका अपना वाला वर्जन चूज़ कर लेना है यहाँ से। तो मैं अपना वाला वर्जन चूज़ कर लेता हूँ, मेरा जो भाई मैं वर्ज़न में खेलता हूँ अभी तो है गाइस 1.17.2.01 है। तो गाइस मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर में डाउनलोड वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर गाइस थोड़ा डाउनलोड होगा, मतलब आपका और कुछ डाउनलोड नहीं होने वाला है, सिर्फ यही डाउनलोड होने वाला है, आप दूसरा कुछ मत सोच लेना, आपका वो गेम वापस से डाउनलोड होगा। तो फिर जाकर आपको यहाँ पर 3 लाइंस दिख रहे होंगे ऊपर में, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्वर दिख रहा होगा, उसके अंदर वापस से जाना है। फिर आपका वो वाला जो वर्ज़न है वो आ चुका है, और बेडरॉक और ये आपका एड्रेस से सर्वर का। फिर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना एक तो वर्ल्ड भी डाल सकते हो। वो कैसे डालना है, तो सबसे पहले आप लोग को 3 लाइंस में क्लिक करना है। 3 लाइंस में क्लिक करने के बाद गाइस 3 लाइंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वर्ल्ड्स दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर लोडिंग लेकर ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड दिख रहा होगा, अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोल्डर और जिप फाइल दिख रहा होगा। तो गाइस आप लोग फोल्डर से भी इधर अपलोड कर सकते हो और जिप फाइल से भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ चूज़ कर लेता हूँ।
गाइज मैंने वर्ल्ड तो अपलोड कर लिया है, और यहाँ पर वर्ल्ड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइंस में क्लिक करना है, और फिर एक सर्वर में क्लिक करना है। फिर गाइज सर्वर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्टार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक कर देना है। और स्टार्ट में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको लिखा होगा, ये सब लिखा होगा, और भाई ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड अनलिमिटेड टाइम चलेगा। तो अगर सबसे पहले गाइज यहाँ पर सर्वर स्टार्ट करती है, आपको क्या होगा, यहाँ पर प्रिपेयरिंग दिखाएगा और लोडिंग लेगा। तो भाई लोडिंग लेने के बाद ये क्या होता है मैं बताता हूँ। गाइज लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप रिस्टार्ट, और यहाँ पर मैंने गाइज 20 जन, आप लोग कितने जन का भी सर्वर बना सकते हो। यहाँ पर टाइमिंग भाई मैंने तो बोला अनलिमिटेड है, यहाँ पर टाइमिंग क्यों आ रहा है, तो भाई टाइमिंग आ रहा है अगर एक बंदा भी अगर सर्वर में ज्वाइन रहेगा तो गाइज ये टाइमिंग दिखाएगा नहीं, अगर वो हट गया तो भाई टाइमिंग कट जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही टाइमिंग कटेगा तो आपको जैसे ही स्टार्ट और लोडिंग लिया ना, वैसे ही सिर्फ स्टार्ट में दबा देना है, को वापस से लोडिंग लेगा, और फिर जब वही वर्ल्ड में आप लोग वापस जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना माइनक्राफ्ट में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर माइनक्राफ्ट में ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड टू माय सर्वर यहाँ पर जो लिखा आ रहा है प्लस बटन के साथ, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। फिर जाके गाइज आप लोग का माइनक्राफ्ट ओपन होने लगेगा, और गाइज मैं माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फिर देखिए गाइज यहाँ पर जो आपको मेरा दिख रहा है ये सर्वर मैंने बनाया है, तो गाइज मैंने इसके ऊपर ज्वाइन में क्लिक कर दिया। अभी गाइज मैं इसके अंदर ज्वाइन होने लग रहा हूँ, और यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, जिस आप सर्वर में ज्वाइन होते हो वैसे ही आपका ज्वाइन हो रहा है। तो गाइज ये ना कितना अच्छा बात यार, आप लोग अभी अपना सर्वर बना सकते हो, और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए एक SMP बनाना और उनके साथ खेलना। तो यहाँ पर ही रखते हैं आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।